Hello and welcome back to Management Nazariya. Today, in this video, we will understand as to what is your controlling and what are the various steps that are being taken into consideration while implementing this function. Okay, we have already discussed about directing, organizing, staffing, planning. All these are your functions of management, right? So now let's understand as to what is your controlling. Now, when you introduce controlling or the word controlling itself, क्या बताता है? किसी चीज़ को अपने control में रखना, अपने you know एक discipline में, एक uniformity के साथ किसी चीज़ को अपने अंदर रखना, right? अपने अंदर in control, मतलब चीज़ें आपके हाथ में हैं, जो हम कहते हैं ना, things are under my control, I can actually access those things and implement the changes as per what I think and what I need. तो there is no boss, I have to do it, it is under my control. तो जब हम ऐसी statements pass करते हैं, मतलब हम उसके, you know, we are responsible for what is happening, we have the responsibility, we have the authority, right? उसका जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, वो हमारे control में है, हमारे कैप्टनशिप में, हमारे मॉनिटरिंग में है, राइट? सेम गोज इन द ऑर्गेनाइजेशन. जब एक ऑर्गेनाइजेशन कोई सर्टन प्लान बनाता है, उसके लिए चीज़ें ऑर्गेनाइज करता है, स्टाफ रिक्रूट करता है, डायरेक्शंस देता है, तो हैंड इन हैंड कंट्रोलिंग भी चलता है. तो कंट्रोलिंग क्यों किया जाता है और व्हाई डू वी डू कंट्रोलिंग? एक्चुअली अगर आप देखो तो अपने रियल लाइफ में भी जो आप जी रहे हो उसी में भी कुछ कंट्रोलिंग है. मे बी फ्रॉम द साइड ऑफ योर पेरेंट्स, मे बी यू योर सेल्फ आर कंट्रोलिंग योर सेल्फ फ्रॉम बहुत सारी चीज़ें, लाइक यू नो फोकसिंग ऑन स्टडीज़ के टाइम पे, नॉट यूजिंग योर फोन्स, मतलब आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एक्स वाई जेड यू नो डिस्टर्बेंसेस, जिससे आपका दिमाग डाइवर्ट हो वाइल योर स्टडीज़. तो यू नो स्मॉल स्टेप्स आर देयर जो हम ऑब्जर्व भी नहीं करते, बट येस वी आर कंट्रोलिंग, वी आर कंट्रोल्ड एंड वी आर यू नो एक्चुअली लिविंग लाइक दैट एंड वी हैव टू लिव, क्योंकि अगर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा तो सब अपने बाप के मालिक हो जाएंगे, जिसको जो करना है वो करेगा, विच इज़ नॉट राइट. ठीक है, हर किसी के प्रिंसिपल्स सेम नहीं होते. तो जब हमें एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी होती है, देन कम्स कंट्रोलिंग इन योर एग्जिस्टेंस. देन कंट्रोलिंग इज़ वॉट? इट इज़ बेसिकली गोल ओरिएंटेड फंक्शन विच इंश्योर्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्सेज आर बीइंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज्ड फॉर द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल्स. कोई गोल जो आपने बहुत टाइम पहले डिसाइड किया हुआ है वाइल प्लानिंग, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको ठीक से वो काम कर रहा है या नहीं, इसके लिए उस गोल को यू नो ठीक से परस्यू हो, ये कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशंस में की जाती है. मैनेजर्स हर लेवल पे हो, या टॉप लेवल मैनेजर्स हो, मिडिल लेवल मैनेजर्स हो, या लोअर लेवल मैनेजर्स हो, ये सारे ही लोग कंट्रोलिंग इस एक्टिविटी को हर एरिया में फॉलो करते हैं. एंड ये जो कंट्रोलिंग फंक्शन है, ये एक्चुअली हमें हेल्प करता है फाइंड आउट करने में कि ओके, हमने कितना अचीव किया है, हमें और कितना अचीव करना है, एंड वेयर आर वी लैकिंग. जब ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें किसके थ्रू मिलता है? कंट्रोलिंग के थ्रू मिलता है. नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग? सो इट हेल्प्स इन मेजरिंग योर प्रोग्रेस. कितना आपने प्रोग्रेस किया है अपने गोल की तरफ, कितना आगे बढ़ रहे हो, कितना टाइम वेस्ट किया है, कितना टाइम कंज्यूम किया है, कितना काम टाइम पे किया है, ये सारी चीज़ों का यू नो आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट बेसिकली आपको कंट्रोलिंग के थ्रू मिलता है. देन इट एनेबल्स द मैनेजमेंट टू वेरीफाई द स्टैंडर्ड्स एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिवली. जब आप कंट्रोलिंग करते हो तो मैनेजमेंट को भी ये मदद करता है. मैनेजमेंट को पता होता है कि कहाँ तक प्रोग्रेस पहुँचा है, कहाँ तक आप गोल के जो गोल का जो हमारा जो यू नो जर्नी है ना, उस गोल के जर्नी तक आप कहाँ तक पहुँचे हो, ये हेल्प करता है मैनेजमेंट को. कौन हेल्प करता है? कंट्रोलिंग हेल्प करता है. देन
It seeks to reduce wastage and spoilage of resources. It ensures that resources are used in the most effective and efficient manner. ये मेक श्योर करता है कि आप वेस्टेजेस नहीं कर रहे हो, कोई बर्बादी नहीं कर रहे हो, एंड जो भी रिसोर्सेज आपको मिला है, जो भी सुविधाएं आपको मिली है, उस सुविधाओं में, उस सुविधाओं के अंतर्गत रह के आप अपना बेस्ट दे रहे हो. जस्ट लाइक जब आप एग्ज़ाम की प्रेपरेशंस कर रहे होते हो, यू हैव 24 आवर्स एवरी डे गिफ्टेड बाय गॉड. आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हो, दैट इज़ इन योर हैंड्स. तो उसका जब यूटिलाइजेशन आप जब बेस्ट करते हो तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं, राइट? सो दैट इज़ बेसिकली यू कैन रिलेट विथ योर इन दिस पॉइंट. देन इट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज एंड हेल्प्स देम टू गिव बेटर परफॉर्मेंस. जब आप किसी दिन, रोज़ अगर आप मान लो 3 आवर्स पढ़ाई में लगाते थे, एक दिन आपने यू नो नेचुरली विदाउट एनी एनफोर्समेंट, विदाउट यू नो किसी भी प्रेशर के 5 आवर्स पढ़ लिया एंड यू डिड नॉट इवन रिकग्नाइज. बट जब आप रात में बेड पर गए लेटने और आप सोच रहे थे कि अच्छा आज मैंने क्या क्या किया, यू सडनली रियलाइज दैट टुडे ऑटोमेटिकली विदाउट एनी प्रेशर यू नो यू naturally gave 5 hours to your studies. Then you will ask questions, कैसे हो गया ये यार? Because maybe you were liking the subject, maybe you forgot that what is time and you just you know gave your best in that time. तो क्या किया वो मोटिवेट किया टू डू बेटर. इन द सेम मैनर कंट्रोलिंग में जब भी फंक्शन इम्प्लीमेंट हो रहा होता है और ऑर्गेनाइजेशन में लोग अपने गोल को इफेक्टिवली एफिशिएंटली अचीव करते जाते हैं, समटाइम्स दे डोंट इवन रियलाइज बिकॉज दे आर इन्जॉइंग देयर वर्क, राइट? बिकॉज दे आर गिविंग देयर 100%. तो दैट इज़ बेसिकली योर कंट्रोलिंग. Then it creates an atmosphere of order and discipline in the organization. Naturally ये आएगा जब आप एक proper pattern follow करोगे, जब आप की चीज़ों को monitor किया जा रहा है, जहाँ पर आपको progress reports मिल रहे हैं, जहाँ पर आपको you know आपके हर एक activity को into consideration लिया जा रहा है, and when you are happy doing that work, it motivates you. And when it motivates you, वो discipline, वो order automatically आपके काम में आ जाएगा, which makes you a better person as a person, plus आपके organization को भी वो better बनाएगा. Then what are the steps in controlling? Your first step is setting up performance standards. Standards मतलब जैसे school में होता था ना कि टीचर बोलती थी कि 30 मार्क्स का पेपर है, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू स्कोर एटलीस्ट 22 मार्क्स. तो वो एक स्टैंडर्ड होता है. उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस में भी स्टैंडर्ड सेटअप की जाती है, लाइक अ बेंचमार्क, कि इतना तो आपको करना ही है. सो योर फर्स्ट स्टेप इज़ व्हाट? सेटिंग अप ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. बेसिकली स्टैंडर्ड्स आर द क्राइटेरिया अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस वुड बी मेजर्ड. Thus, the standards serve as a benchmark towards which an organization strives to work. Standards may be set in both qualitative as well as quantitative terms. It is important that the standard should be flexible enough to be modified whenever required. वो स्टैंडर्ड्स इतने रिजिड नहीं होने चाहिए कि यू नो एम्प्लॉय सफोकेटेड फील करे. तो इट शुड बी यू नो फ्लेक्सिबल इनफ कि आप उसे चेंज कर सको एज एंड व्हेन टाइम अकर्स. नाउ अब COVID-19 जैसा पैंडमिक कभी नहीं आना चाहिए, बट क्योंकि अभी आ गया है तो कितने ऑर्गेनाइजेशन को अपने स्टैंडर्ड्स में चेंजेस करने पड़े होंगे, पॉलिसीज़ में चेंजेस करनी पड़ी होगी. सो इट शुड बी फ्लेक्सिबल इन दैट टर्म्स, ओके? Because due to changes taking place in internal and external business environment, standards may need to be modified and need to be made realistic. ऐसे imaginary standard नहीं करने का, you have to be real in life, right? Then measurement of actual performance. अब आपने एक standard set कर दिया है, measurement कैसे करोगे? Okay, 22 marks. जो बच्चे 21 ला रहे हैं, okay fine, but 2018 out of the standard. इन द सेम मैनर ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है, टू कीप बेसिकली योर स्टैंडर्ड्स इन टू कंसिडरेशन, कि आपको जितना बोला गया है उतना कर रहे हो या नहीं, और अकॉर्डिंगली आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल्स दिए जाते हैं, आपको फीडबैक दिया जाता है.
ठीक है. सो वंस द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स आर सेट, द नेक्स्ट स्टेप इज बेसिकली मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन एन ऑब्जेक्टिव एंड रियलेबल मैनर. There are several techniques for measurement of performance, such as personal observation, sample checking, performance reports, etc. And accordingly, आपको appraisals भी मिलता है. If you are doing good, you will be praised. If you are doing bad, you will be scolded. अगर required है तो ही scold मिलता है या समझा दिया जाता है, warnings दी जाती है. So these things are being done. Then your next step is comparison of actual performance with standard. अब अपने actual performance को standard के साथ अब compare करोगे, जहाँ पे both these numbers और qualitative, quantitative जो भी standard है उसे into consideration लिया जाएगा, and जैसा भी desired result होगा उस हिसाब से you know you will be given feedback. So comparison is what it involves, basically the comparison of your actual performance with the standard. Suppose one day you morning you got up and you decided ki aaj to 4 kilometer chal hi lenge, to 4 kilometer to chale aap. अब उसको कंपेयर करोगे, अच्छा आपने सोचा था 4 किलोमीटर, आप चले 4.5 किलोमीटर्स, यू अबव द स्टैंडर्ड, यू आर गुड. तो आप किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हो. वाइस वर्सा भी हो सकता है, आपने सोचा 4 किलोमीटर्स बट यू एक्चुअली वॉक ओनली 2, अगेन 2 किलोमीटर्स का जो डिफरेंस है, दैट इज़ ऑल्सो द डिफरेंस डिविएशन दैट इज़ बीन सीन, राइट. सो कंपेरिजन बिकम्स ईजी टू सेट स्टैंडर्ड्स इन क्वालिटेटिव टर्म्स, सॉरी क्वान्टिटेटिव टर्म्स, नंबर के टर्म्स में, ठीक है. देन यू हैव योर स्टेप 4 विच इज़ एनालाइजिंग द डिविएशंस. मतलब अब वो गैप आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उस क्यों को हमें ढूंढना है. तो सम डिविएशन इन परफॉर्मेंस कैन बी एक्सेप्टेड इन ऑल द एक्टिविटीज. इट इज़ देयरफॉर मोर इम्पॉर्टेंट टू डिटरमाइन द एक्सेप्टेंस रेंज ऑफ डिविएशंस. ऑल्सो द डिविएशंस इन की एरियाज of business need to attend more urgently as compared to the deviations in certain insignificant areas. The deviations and their causes are then reported and corrective action is being taken. See, अगर deviations बहुत ज़्यादा है और वो लगातार everyday basis पे हो रहा है, मतलब रोज़ कोई कैंडिडेट अपना स्टैंडर्ड मीट नहीं कर पा रहा है, देन देर इज़ 100% अ प्रॉब्लम. तो उस प्रॉब्लम को सोचा जाता है, ढूंढा जाता है, पूछा जाता है, समझा जाता है, एंड अकॉर्डिंगली करेक्टिव मेजर्स ली जाती है. बट यू नो सम ऑड डे अगर कोई ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है एंड ही और शी इज़ बीन अ परफॉर्मर जो हमेशा ही गुड परफॉर्मेंस देता है ऑर्गेनाइजेशन को, तो उस टाइम पे उसे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा एंड वो थोड़ी सी छूट जो होती है ना माफ़ी होकर, ठीक है कोई बात नहीं वाला सीन हो जाएगा. बट अगर ये रोज़ हो रहा है देन फिर इंटरोगेशन होगा, क्वेश्चन आंसर्स किए जाएंगे, प्रॉब्लम्स को ढूंढा जाएगा एंड अकॉर्डिंगली सोल्यूशंस पे आया जाएगा. देन योर नेक्स्ट स्टेप इज टेकिंग दोज करेक्टिव मेजर्स. जो भी प्रॉब्लम आपको पता चला है, यू हैव टू टेक द करेक्टिव मेजर्स इन ऑर्डर टू हैव अ करेक्टिव एक्शन. नो करेक्टिव एक्शन इज़ रिक्वायर्ड व्हेन द डिविएशंस आर विद इन एक्सेप्टेंस लिमिट. अगर एक्सेप्टेंस लिमिट के अंदर हैं आपकी यू नो डिफरेंसेस या डिविएशन, तो देन इट्स फाइन. बट अगर नहीं तो ये करेक्टिव एक्शंस ली जाती हैं. However, the deviations may go beyond the acceptance range, especially in the important areas. It demands immediate managerial attention so that deviations do not occur again and standards are being accomplished. So, all these steps are your steps in your controlling which is being taken into consideration. So, pehle standard set karoge. स्टैंडर्ड सेट करने के बाद सेकेंड स्टेप में हमने क्या देखा था, आफ्टर सेटिंग द स्टैंडर्ड्स यू विल मेजर योर एक्चुअल परफॉर्मेंस. मेजर के बाद कंपेयर करोगे, कंपेयर के बाद एनालाइज करोगे, फिर करेक्टिव एक्शंस लोगे, राइट. तो परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड्स, देन यू विल कंपेयर इट, देन आपका अपना डिविएशंस कंपेयर करोगे, करेक्शंस करोगे एंड इम्प्लीमेंटेशंस करोगे. सो आई होप कि आपको कंट्रोलिंग एज अ मैनेजरल फंक्शन क्या होता है, the meaning basically, the importance and the steps are being clear in your mind. That's all for this video. Thank you.
please do like, share and subscribe towards this channel. Please do that. Never stop thinking and keep innovating.